जिला पठानकोट में एक महीने के भीतर डेंगू पॉजिटिव 100 केस मिल चुके हैं। यह सिर्फ सरकारी आंकड़ा है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिकों में डेंगू पॉजिटिव और बुखार व प्लेटलेट्स कम होने पर सैकड़ों हजारों लोग इलाज करवा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोठी पंडिता में ही सबसे ज़्यादा 50 केस मिलने पर हॉटस्पॉट चल रहा है, जबकि हालात ये हैं कि अब रूरल के बाद सिटी में डेंगू के मामले मिलने शुरू हो गए हैं। शहर के मोहल्ला प्रेमनगर, अबरोल नगर, मोहल्ला जंदरिया, ढाकी, चारजिया मोहल्ला, बजरी कंपनी, मोहल्ला रामनगर, अनंतपुर कुलियां, शास्त्री नगर समेत 10 मोहल्लों में भी डेंगू के 12 केस मिले हैं। लेकिन जिले के सरकारी अस्पताल की लैब में पिछले एक सप्ताह से डेंगू की जाँच करने को NS1 AG और IgM ELISA किटें ही खत्म हैं, जिसमें सिविल अस्पताल में टेस्ट करवाने पहुंच रहे लोगों को किटें खत्म होने की बात कहकर वापस लौटाया जा रहा है। डेंगू की जांच को लेकर एक भी टेस्ट नहीं हो सका। सेहत अधिकारी बताते हैं कि किटें मंगवाने के लिए स्टेट को भेजा हुआ है। उम्मीद है कि डेंगू की जांच को लेकर किटें मुहैया हो जाएंगी। जिले में डेंगू पॉजिटिव 11 मरीज एक्टिव चल रहे हैं, जिनमें 4 मरीज जिले के सरकारी अस्पताल में भर्ती चल रहे हैं, जबकि 7-8 मरीज घरों में होम आइसोलेट होकर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। इधर हेल्थ विभाग की टीमों ने इंदिरा कॉलोनी में 82 घरों, बजरी कंपनी में 98, खानपुर चौक में 50, ढाकी में 97, सुजानपुर अजीतपुर में 40, घरोटा में 70, नरोड जमल सिंह एरिया में 50 घरों और बधानी में 50 से 54 घरों को सर्वे किया। इस दौरान 16 जगहों पर डेंगू मच्छर का लावरा मिला, जिसे टीम ने मौके पर नष्ट करवाकर स्प्रे करवाई। वहीं लोगों को डेंगू से बचाव के लिए घरों में पानी स्टोर ना करने की अपील की। वहीं घरों की छतों पर पड़े कबाड़ के सामान, गमलों, टाइलों और कांच की बोतलों में बरसाती पानी खड़ा ना होने देने को कहा। सप्ताह में एक दिन घरों में कूलरों और फ्रिज की बैकसाइड ट्रे से पानी निकालकर सुखाने को कहा। जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा, गलत। आप शरिया जनसा फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा लाभ फ्री करेगा। धन्यवाद।